मॉर्निंग सेवेंथ क्लास बेटा, दिस इज आवर सेकंड वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 11, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन विच वी वर लर्निंग अबाउट हाउ ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस इन प्लांट्स. ओके, विद एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफ्यूजन सिस्टम एंड द ऑस्मोसिस सिस्टम. ठीक है, हम लोग ये दोनों चीजें पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ह्यूमन बींग के अंदर होता है वो क्या होता है. आर बॉडी इज कॉम्प्लेक्स मशीन रिक्वायरिंग मेनी प्रोसेसेस टू फंक्शन एफिशिएंटली. हमारी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स मशीन है. कॉम्प्लेक्स मशीन मतलब क्या होता है, जिसमें कई हर चीज़ के लिए अलग पार्ट होते हैं. जैसे हमारे ब्लड को सर्क्यूलेट करने के लिए हमारा सर्क्यूलेटरी पार्ट है, डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा. ठीक है, तो हर फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर कई सारे सिस्टम्स हैं. ठीक है, तो ऐसे ही हमारे जो और क्यों है ये सिस्टम, ताकि हमारी बॉडी का जो फंक्शन है वो एफिशिएंटली परफॉर्म हो पाए. टू कीप दिस इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस रनिंग विदाउट एनी हिचेस वी नीड वाइटल एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स विच आर टू बी डिलीवर्ड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे बॉडी के कई सारे एलिमेंट्स हमें दूसरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने पड़ते हैं. जैसे ब्लड सिर्फ एक जगह चला जाए तो इनफ नहीं होता, हमारी पूरी बॉडी में होना चाहिए. तो इसीलिए हमारे कई सारे पार्ट्स हैं. दिस रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज अंडरटेकन बाय आर सर्कुलेटरी सिस्टम मूविंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स थ्रू आउट द बॉडी एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम आवर बॉडी. यानी हमारा ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है ये किसके पास है, सर्क्यूलेटरी सिस्टम के पास है. हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन ये हमारे बॉडी में मिनरल्स और न्यूट्रिशंस जो इम्पॉर्टेंट है वो पहुंचाता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर करता है. लेट अस एक्सप्लोर द इंट्रिकेट अबाउट द ह्यूमन सर्क्यूलेटरी सिस्टम एंड दिस कॉम्पोनेंट इन ग्रेटर डिटेल. तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको क्या दिया हुआ है, अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी कंटेन 4 to 6 liters ऑफ ब्लड. दिस ब्लड सर्क्यूलेट थ्रू द बॉडी 3 times एवरी मिनट इन अ डे. ब्लड ट्रैवल नियरली 1900 किलोमीटर. यानी एक दिन में हमारा जो ब्लड है वो 1900 किलोमीटर चलता है. हमारी पूरी बॉडी में 4 to 6 liters ब्लड होता है, और हमारा जो ब्लड है ये हमारी बॉडी में हर मिनट 3 times ट्रैवल करता है पूरी बॉडी में. ठीक है, तो ये आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है आपको गिवन है यहाँ पर. अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले ब्लड के बारे में. ब्लड इज बॉडीज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सर्क्यूलेटिंग न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, मिनरल्स एंड अदर नेसेसरी प्रोडक्ट्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. ब्लड जो है हमारी बॉडी का फ्लूइड है. फ्लूइड मतलब कोई भी लिक्विड चीज जो हमारे टिश्यूज को कनेक्ट करती है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे सर्क्यूलेटिंग किस चीज में, कि हमारे न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, मिनरल्स में एक जगह से दूसरी जगह या एक पार्ट से दूसरे पार्ट पहुंचाने में. ब्लड फ्लो थ्रू स्पेसिफाइड सेट ऑफ पाथवेज कॉल्ड ब्लड वेसल्स. और ब्लड जो है वो एक स्पेसिफाइड पाथवे, यानी एक डिफाइंड उसका रास्ता होता है कि वो यहाँ से जाएगा यहाँ से आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स. द ब्लड विच इज इन्वॉल्व इन पंपिंग ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इन द हर्ट. और हमारा जो ऑर्गन होता है जो किस में इन्वॉल्व होता है ब्लड को पंप करने में, उसका नाम क्या है, हार्ट. ब्लड सेल, ब्लड प्लाज्मा, प्रोटीन एंड अदर मिनरल्स कॉम्पोनेंट्स सच एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट ह्यूमन ब्लड. मतलब हमारा जो ब्लड है वो कई सारी चीज़ों का मिश्रण है, कई सारी चीज़ें उसमें मिली हुई है. ठीक है, फर्स्ट इसमें क्या है, प्लाज्मा. सबसे पहली चीज़ क्या है, प्लाज्मा. इट इज़ अ लाइट येलो कलर्ड फ्लूइड मेड अप ऑफ 90% वाटर एंड 10% इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट. ये लाइट येलो कलर का होता है और 90% इसके अंदर पानी होता है, 10% इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट्स होते हैं. प्लाज्मा हैज न्यूट्रिएंट. प्लाज्मा के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, ब्लड प्रोटीन, हार्मोन, एक्सक्रीटरी मटीरियल, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक एक्सेट्रा इज इन सॉल्यूबल फॉर्म. और सॉल्यूबल यानी मिली हुई फॉर्म में क्या क्या चीजें होती हैं, ब्लड प्रोटीन होता है, हार्मोन्स होते हैं, एक्सक्रीटरी मटीरियल होता है मतलब जो बॉडी से बाहर जाए वेस्ट, एंजाइम्स होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, ये सब सॉल्यूबल फॉर्म में होते हैं. फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा का, क्यों हमारी बॉडी में प्लाज्मा होता है, फंक्शन क्या है, इट टेक O2 एंड फूड मटीरियल टू टिश्यू सेल्स. हमारे टिश्यू के सेल्स जो है वहां तक ऑक्सीजन और फूड मटीरियल पहुंचाते हैं ताकि वो जिंदा रहे.
और कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी मटेरियल वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी टिश्यू से हटाता है. सर्कुलेट्स हार्मोन्स विटामिन्स एंड एंटीबॉडीज एसेट्रा. और किस चीज़ को सर्कुलेट करता है यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाता है, हार्मोन्स को, विटामिन्स को और एंटीबायोटिक्स को. रेगुलेट टेम्परेचर, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है. कंट्रोल वाटर अमाउंट इन बॉडी, और बॉडी के अंदर जो पानी का स्तर है उसको बना कर रखता है. एग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है. अब ये क्या है, दिस साइटोप्लाज्म इज नॉन ग्रैनुलेटेड. अब ग्रैनुलेटेड क्या होता है, नॉन ग्रैनुलेटेड आपको यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब होता है बेटा मतलब पिसी हुई फॉर्म में या दानेदार फॉर्म में नहीं होता है साइटोप्लाज्म. इन दीज न्यूक्लियस इज वेरी लार्ज एंड हैव साइटोप्लाज्म इज वेरी स्मॉल इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. यानी इसका जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है और इसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं. देयर आर टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं, स्मॉल साइज और बिग साइज. लिम्फोसाइट्स दैट बिल्ड इम्यूनिटी सिस्टम एंड एंटीबायोटिक्स. स्मॉल साइज के क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स, जो क्या बनाते हैं, इम्यूनिटी बनाते हैं. यानी आपके अगर आपकी बॉडी को कोई बीमारी लग जाती है तो आपका इम्यून सिस्टम ही होता है जो उससे आपकी बॉडी को बचाता है, और एंटीबायोटिक्स ही होते हैं जो उससे लड़ते हैं. बिग साइज क्या होता है, मोनोसाइट्स दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बॉडी बाय एक्शन ऑफ इनगल्फिंग. और मोनोसाइट्स क्या होता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किससे, इनगल्फ करके यानी निगल कर चीजों को, ठीक है. अगर उसको कुछ ऐसा लग रहा है कि ये चीज अच्छी नहीं है बॉडी के लिए, बॉडी को हार्म पहुंचा सकती है, तो उसको इनगल्फ कर लेता है. बॉडी प्लेटलेट्स, अब प्लेटलेट्स क्या होते हैं, दे आर हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड को क्लॉट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है. यानी अगर आपको चोट लग जाए तो जो खून का थक्का जम जाता है जिससे बाकी खून बाहर नहीं निकलता है, इसको ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं. दीज देयर नंबर इज 2 to 5 इन पर मिली लीटर ऑफ ब्लड. यानी अगर 1 मिली लीटर का ब्लड आप लोगे तो उसमें 2 से 5 लाख ब्लड प्लेटलेट्स उसके अंदर आपको मिलेंगे. इन मैमल्स ओनली आरबीसीज डू नॉट कंटेन न्यूक्लियाई एंड अदर ऑर्गेनल. मैमल्स जो होते हैं उसके अंदर आरबीसीज जो होते हैं उसके अंदर ना तो न्यूक्लियाई होता है और ना ही ऑर्गेनल्स होते हैं. द लाइफ पीरियड ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन बींग इज 120. आपको पता होगा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दो तरीके के सेल हमारे यहाँ होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर होते हैं. तो आरबीसी जो होता है वो रेड ब्लड सेल होता है, ठीक है. इसमें आपको चार्ट के अंदर भी दिया हुआ है रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल के बारे में कि कितने हमारे नंबर्स के अंदर होते हैं, प्लेटलेट्स कितनी होती है, फिर उसके अंदर ग्रैनुलोसाइट्स कितने होते हैं, एग्रेनोसाइट्स कितने होते हैं, ठीक है. तो ये चार्ट में भी आपको दिया हुआ है. तो हमारे जो आरबीसीज होते हैं इनकी 120 डेज की लाइफ होती है. डेड आरबीसीज कैन बी डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लिन. और स्प्लिन के अंदर जाकर आरबीसीज अगर कोई डेड हो गए, मर गए तो वो खत्म हो जाते हैं. इन कैमल्स एंड लामा बोलते हैं इसको. इन कैमल एंड लामा, जो लामा क्या होता है बेटा, जो कैमल की तरह ही दिखता है, आरबीसीज हैव न्यूक्लियाई. और इनके अंदर कैमल और लामा के अंदर न्यूक्लियाई होता है, बाकी मैमल्स के अंदर नहीं होता है. ओनली मैमल्स हैव ब्लड प्लेटलेट्स, अदर वर्टिब्रेट एनिमल हैव स्पाइनल सेल इन देयर प्लेस. जो मैमल होते हैं उनके पास ब्लड प्लेटलेट्स होती है, और बाकी जो वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स एनिमल मतलब बेटा बेसिकली क्या होता है, हड्डी वाले या जिनकी स्पाइन्स होती है, तो उनके स्पाइनल सेल्स होते हैं ब्लड प्लेटलेट्स की जगह पर. अब फंक्शन ऑफ ब्लड क्या होता है, ब्लड हमारी बॉडी में होता तो है मगर इसके फंक्शन क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, क्यों ब्लड की इतनी इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी के अंदर, हम वो चीज़ इसके अंदर पढ़ेंगे. तो सबसे पहली चीज जो हमें पता है कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है बहुत सारे मटेरियल्स. उस मटेरियल के अंदर क्या क्या आता है, जैसे हमारे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है. और क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ये मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम तक पहुंचाता है ताकि वो हमारे बॉडी से बाहर आ जाए. और बाकी दूसरे जो मटेरियल्स हैं उनको भी, जैसे हार्मोन्स हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, एंटीबॉडीज हो गया, सॉल्ट्स हो गया, एंजाइम्स हो गया, इनको भी हमारे सारी बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है. दूसरा हमें पता है कि ये ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में. ऑक्सीजन जो है, हीमोग्लोबिन द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ रेड ब्लड कैपिलरीज इज इन सेल्स ऑफ लंग्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म अनस्टेबल कंपाउंड.
तो क्या जो हीमोग्लोबिन है आपकी बॉडी में, एक क्या है रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हमारे रेड ब्लड कैपिलरीज का सेल्स के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि ये हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो हीमोग्लोबिन है हमारे सेल्स के जो रेड ब्लड कैपिलरीज के अंदर है उसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, एक अनस्टेबल कंपोनेंट बनाता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन। दिस डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू ऑल द टिश्यू सेल्स थ्रू ब्लड, और फिर ये क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑक्सीजन को सारे ब्लड सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है जिससे उनके पास ऑक्सीजन चला जाता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ब्लड की वजह से ही हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। ब्लड क्लॉटिंग, अगर कहीं चोट लग जाए खून आ जाए तो उसको रोकने का काम भी ब्लड का होता है, ब्लड क्लॉटिंग होता है क्योंकि उसमें प्लेटलेट्स होती हैं, ब्लड के अंदर ही प्लेटलेट्स होती हैं। अभी हमने पढ़ा था प्लेटलेट्स का काम है, तो जब वो ब्लड के अंदर है तो ब्लड का ऑल ओवर वर्क वही हो गया। प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस, यानी अगर ऐसी डिजीज हैं जो हमारे अंदर इन्फेक्शन पैदा कर सकती है तो वो भी ब्लड ही बचाता है क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज होती है, ये हर पार्ट में आपके एंटीबॉडीज जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, तो यानी इन्फेक्शियस डिजीज से भी हमें बचाता है। हीलिंग ऑफ वूंड, यानी अगर आपको चोट लग जाए तो वो कैसे अपने आप ठीक हो जाती है, आपने देखा होगा थोड़े टाइम बाद आपके अगर बॉडी पे चोट लगी है तो वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है, थोड़े टाइम बाद वो निशान भी चला जाता है और पता भी नहीं चलता कि आपके कहीं पर चोट लगी है। तो ये सब काम जो है हमारा ब्लड का ही है। मैक्रोफेग सेल रीच द ओपनिंग वूंड, यानी मैक्रोफेग सेल जो है वो ओपन वूंड जो है, यानी जो खुला हुआ एरिया है जहां पर आपके चोट लगी है, क्योंकि वहां से स्किन आपकी खुल जाती है, वहां जाता है एंड इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ हीलिंग वूंड, और फिर जो प्रोसेस है उसको ठीक करने का वो स्टार्ट करता है। प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन प्रोटीन डिजॉल्व इन प्लाज्मा आर एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी ये दोनों चीजें, ये दोनों जो हमारे प्रोटीन हैं ये हमारे प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व होते हैं और बहुत एसेंशियल रोल प्ले करते हैं हमारे ब्लड क्लॉटिंग में। अ प्रोटीन नेम्ड हेफरिन प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स आर्टरी एंड वेन्स, दस हेफरिन इज एंटी कोगुलेंट। और जो प्रोटीन है हमारा ये हेफरिन, ये क्या करता है बेटा, प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स को, क्योंकि वो लिक्विड में होता है तो उसको सॉलिड या सेमी सॉलिड यानी उसको जमने से रोकता है बेसिकली, ठीक है। और इसीलिए एंटी कोगुलेंट होता है, यानी ये जमने नहीं देता खून, अगर जम जाएगा तो वो फ्लो कैसे करेगा। ब्लड कॉर्पसल्स, थ्री टाइप ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स और सेल्स आर फाउंड इन ब्लड, हमारे ब्लड में तीन तरीके के ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल, इनका दूसरा नाम भी है रेड ब्लड कैपिलरीज का, ठीक है, इसको बोलते हैं एथ्रोसाइट्स, ठीक है। व्हाइट ब्लड कैपिलरीज को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स और ब्लड प्लेटलेट्स को बोलते हैं थर्मोसाइट्स, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो है हमारे बॉडी के कॉपी सेल्स बोल सकते हो आप, सेल्स बोल सकते हो, कि तीन टाइप के हमारे ब्लड की हमारे ब्लड में सेल्स होते हैं। तो रेड ब्लड कॉपिलरीज यानी रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ दीज कॉपिलरीज रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन कंपाउंड इज फाउंड, इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो रेस्पिरेटरी सिगमेंट ये है सॉरी रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, यानी इसकी वजह से सांस लेते हैं हमारे सेल्स, ठीक है, जिंदा रहते हैं। विच कंबाइंड विद ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है लंग्स में, ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, एंड फॉर्म एन अनस्टेबल, एक अनस्टेबल कंपोनेंट बना देता है जिसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और जब ये कंपाउंड हमारे टिश्यू के फ्लूइड के कॉन्टैक्ट में आता है ऑफ लो ऑक्सीजन, जिसके अंदर ऑक्सीजन कम है, तो इट डिपोजेस इन ऑक्सीजन, इट डीकम्पोजेस इन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन सेंड द ऑक्सीजन टू द टिश्यू सेल, तो ये अपने आप को डीकम्पोज कर देता है और ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज के पास पहुंचा देता है। रेड ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट इन वेरी लार्ज नंबर ऑफ फॉर दिस पर्पस, और इसीलिए हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा रेड ब्लड सेल होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा है। मेन के अंदर ये कितने होते हैं, 550,000 के आसपास होते हैं पर क्यूबिकल मिलीलीटर, यानी एक क्यूब मिलीलीटर में इतने होते हैं, और वेमेन में कितने होते हैं, 500,000, ठीक है। एट द टाइम
टाइम ऑफ मैच्योरिटी न्यूक्लियस गॉल्गी बॉडीज माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल डिसअपियर इन द आरबीसीज. जब सेल्स मैच्योर होते हैं तो ये सब हमारा जो है आरबीसीज में डिसअपियर हो जाता है. देयरफॉर आरबीसी ऑफ मैमल इज कॉल्ड न्यूक्लियस लेस, और इसीलिए आरबीसी जो मैमल का होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं. ठीक है, व्हाइट ब्लड कैपिलरीज और ल्यूकोसाइट्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे, और ये लास्ट है हमारा प्लेटलेट्स इस, ठीक है, इस टॉपिक का. देयर दीज आर इररेगुलर शेप लाइक अमीबा. ये क्या है, व्हाइट सेल्स इररेगुलर शेप है, यानी इसकी कोई डिफाइंड शेप नहीं है. जैसे आपने अमीबा के बारे में पढ़ा कि अमीबा की कोई शेप नहीं होती, वो कैसे भी शेप में चेंज हो जाता है, ऐसे व्हाइट ब्लड सेल होता है विद नल. ठीक है, these reach to the tissue fluid after coming out of capillaries. और ये क्या है, tissues के fluid के पास पहुंच जाते हैं जब ये capillaries से बाहर आते हैं. they protect the body from the diseases by engulfing disease causing microbes. और ये हमारी body को बचाता है disease से by engulfing disease causing microbes, यानी जिसको ये लगता है कि ये हमारी body को डिजीज पहुंचा सकता है या हमारी बॉडी को हर्ट कर सकता है, ये उसको इनगल्फ कर लेता है, यानी उसको निगल लेता है. ठीक है, एंड इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, गार्ड या सोल्जर बोला जाता है हमारी बॉडी का. ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो भी इनको लगता है कि ये मतलब बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको निगल लेते हैं. देयर साइटोप्लाज्म कंटेन ग्रैनुल्स, और ये ग्रैनुलोसाइट्स जो होते हैं उसके जो साइटोप्लाज्म होता है वो ग्रैनुल्स को, उसके अंदर ग्रैनुल्स होते हैं. देयर न्यूक्लियर इज पॉलीमॉर्फिक और लोब्ड. इनका जो न्यूक्लियस होता है ये लोब्ड होता है. लोब्ड मतलब इसके मेन जो पार्ट होता है उसके अंदर से ये मतलब उसका और पार्ट्स निकल रहा होता है. जैसे आपने प्लांट देखा होगा, यानी एक स्टेम से या एक ब्रांच से और स्टेम निकल रही होती है, तो ऐसे इनके पार्ट्स होते हैं. ग्रैनुलोसाइट्स आर ऑफ थ्री टाइप डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ग्रैनुएट प्रेजेंट इन देम. तो ग्रैनुल्स के बेसिस पे ये तीन तरीके से डिवाइडेड होते हैं. सबसे है स्टेन बाय एल्कलाइन स्टेन, यानी बेसोफिल्स. दूसरा है एसिनोफिल्स. तीसरा है न्यूट्रोफिल्स, यानी अगर उसके अंदर एल्केलाई है तो वो बेसोफिल्स हो गया, अगर उसके अंदर एसिडिक स्टेन या इसोफिल्स है तो ये एसिडोफिल्स या इसोनोफिल्स हो गया, और अगर इसमें एसिड एल्केलाई और न्यूट्रल स्टेन्स है तो ये न्यूट्रोफिल्स. ठीक है बेटा, इसी के साथ हमारी जो सेकेंड वीडियो है हम यहीं पर फिनिश करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ेंगे.